तो हेलो दोस्तों, क्या चला आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले एफ एफ सी एस में क्या क्या इवेंट में यार एफ एफ सी एस वाले इवेंट में यार आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। ये यार तो आपको यहाँ पे देख रहे हो यार, ये बैक पैक ये यार एफ एफ सी एस में कन्फर्म आओगे यार, ये ज़रूर से आएगी। और भाई नहीं आई तो यार इस वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना। तो भाई पहले ये वीडियो देख लो और समझ लो यार क्या क्या बता रहा हूँ। तो अभी देखो भाई ये क्या ओ पी वाला बैग है भाई, बहुत ही लेजेंडरी बैग, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे देखो भाई क्या ओपी वाला बैग लग रहा है भाई, ये ब्लू वाला भी ओपी है भाई। यहाँ पे देखो लेवल 1 में दिखा दिया, लेवल 2 भी दिखा दिया, लेवल 3 भी देख लिया आपने। तो अब बात कर लेते हैं यार सर्फ बोर्ड की। तो भाई यहाँ पे बिजली कड़क रही है यार उस सर्फ बोर्ड में। तो ये ना सर्फ बोर्ड तो यार ना बहुत नॉर्मल वाला है, और ये देखो भाई ये तो और ज़्यादा ओपी वाला है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ओपी वाला है। ये सारी चीज़ें यार आपको देखने को मिलेंगे यार ये इस एफएफसीएस के इवेंट, एफएफसीएस वाले इवेंट के अंदर भाई। तो यार यहाँ पे पैराशूट देखो, पैराशूट इतनी अच्छी नहीं है, पर कार की स्किन भी आपको मिलने वाली है भाई। तो ये फ्री मिलेगी यार आपको, डाइवर नहीं मिलेगी, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं भाई, मुझे जहाँ तक लग रहा है यार भाई ये डाइवर तो नहीं होनी चाहिए। लूट क्रेट भी यार यहाँ देखो ओपी वाला है। तो ये नेम मैनर भी यहाँ पे देखो यार, मुझे लग रहा है एफ सी एस के अंदर यार ये बिल्कुल फ्री में आने वाली है यार, एक भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं भाई, एक डायमंड भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है गेस के अंदर। तो भाई आपको मैजिक क्यूब का फ्रैगमेंट भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, एफ एफ सी एस का यार गोल्ड वाउचर भी देखने को मिल सकता है एफ एफ सी एस में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे क्या ही बताऊँ मैं भाई, ये तो बैग ओपी वाला है भाई, क्या ओपी वाला बैग है भाई। तो ये टोकन भी आपको देखने को मिलेंगे यार, आपको ये सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलने वाले, ऐसे जो आप टोकन देख रहे हैं स्क्रीन पे यार वो टोकन आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यार एफ सी एस में, यहाँ देखो एफ सी एस 20x23 लिखा है, ये टोकन भी आपको कलेक्ट करना ज़रूरी है भाई। और ये सिक्का वाला टोकन है यार एफ सी एस का लोगो है, वो भी कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो यार स्क्रीन पर M4A1 एफ एफ सी एस M4A1 का यार स्किन जो देखो यार ओपी वाला है। और ये बंडल जो आप आलोक ने पहना हुआ है यार वो भी बहुत वाला ओपी वाला है, इसी एफ सी एस में आने वाला। और ग्रोजा को तो यार देखो, ग्रोजा का उतना कुछ हाईलाइट नहीं किया गया है, ग्रोजा तो यार सिंपल है यार इसमें कुछ ज़्यादा। तो यार ये ग्रोजा का यार उतना अच्छा नहीं है, तो यार एफ सी एस में यार अच्छा ग्रोजा का नहीं दिया गया है, और ग्रोजा का यार कुछ अच्छा होना चाहिए यार। ये देखो यार ग्रेनेड, ये ग्रेनेड ओपी वाली ग्रेनेड भाई है, ये ग्रेनेड आप देख रहे हैं यार बहुत ओपी वाली स्किन है इसकी। और इसका धमाका देख लो भाई, मैं धमाका दिखाऊंगा आपको कि कैसा होने वाला है धमाका। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से होने वाला है धमाका। अब बात कर लेते हैं यार हमारे दूसरे आइटम की जो हमारे पास आने वाली है एफ सी एस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं यार आर्मी कट यार ये आने वाला है हमारे एफ सी एस के अंदर। तो यार आलोक भाई को तो मैंने लगा दिया, उसके बाद देखो यार ये ओपी वाला हेडफोन, हेडफोन लगाया हुआ भी आपको मिलने वाला है, ये आइटम भी आने वाला है। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ यार ऊपर का कौन सा बंडल आने वाला है। तो ये देखो भाई ये मैं पिछले 10 वीडियो में बता चुका है यार, यही ओपी वाली बंडल है जो आने वाली है भाई। अब पैंट बता देता हूँ कौन सी इसकी सेट बता देता हूँ सेट कैसी है। तो यहाँ पे देखो यार बहुत ओपी, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रही है भाई। तो क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, बोलने के लिए मुझे सब नहीं निकल रहे हैं भाई। अब जूते तो देखे यार, जूते यहाँ पे जूते उतने खास नहीं है, पर एफ एफ सी एस के अंदर यार आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है भाई, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लो यार उसके पूरे सेट जो इसने पहन लिया है, इसने यानी आलोक ने। तो भाई यहाँ पे देखो इसने पहनने के बाद क्या और ज़्यादा ओपी लग रहा है भाई, ओपी ओपी लग रहा है भाई ओपी। तो यार आज के लिए इतना ही बताना चाहता हूँ यार एफ सी एस में क्या आने वाला है, इतना ही बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे गल का भी देख लो, गल का भी बता ही दूँ। तो यहाँ पे देखो यार गल का भी बहुत ज़्यादा ओपी होने वाला है, हेयर स्टाइल ओपी भाई। अगर ये केली लगाए ना तो केली पे बहुत ओपी लगा, केली का कोई सा भी कैरेक्टर लगाया तो यार बहुत ओपी होने वाला है। पर मैंने केली मुँह से निकल गया यार भाई, कोई बात नहीं। तो आपकी फेवरेट कैरेक्टर भी लगा सकती है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई कुछ इस तरह से होने वाला है ये गल का बंडल। तो भाई गल का बंडल ऐसा होने वाला है, और बॉय का तो मैंने आपको दिखाई दिया आलोक पे पहना कर। तो भाई अब बात कर लेते यार हमारे नए कैरेक्टर। तो भाई 10 कैरेक्टर भी आने वाला क्या आ गया है, आज ही आया भाई टॉप अप में। आप 100 डायमंड टॉप अप करते हो तो यार आपको 10 कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिल रही है, सिर्फ 100 डायमंड पे यार 10 कैरेक्टर। बाद में ये मौका नहीं मिले ना मिले, अभी तो 100 डायमंड मिल जाएगी, बाद में उसकी कीमत यार 499 डायमंड हो जाएगी। तो भाई अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर वो 10 उतना खास नहीं है भाई, आप मैं तो बोलता हूँ ना मत लो यार, क्योंकि बिना 10 कैरेक्टर के भी यार बहुत सारे लोग ओपी ओपी खेल लेते हैं भाई, बिना आलो के खेल लेते हैं। तो ये 10 क्या चीज़ है भाई, 10 की एबिलिटी में बता दो यार। 10 क्या करती है कि जब फॉल रेट है ना वो घटा देती है, जैसे हम बिना शक्ति से गिरते हैं तो हमारे
50 डैमेज होते हैं, तो वो 50 नहीं देगी, वो सिर्फ 10 डैमेज देगी, और उसके पास 40 हील रहेंगे। तो भाई मैं आपको क्लियर बुझा दूँ, एग्जाम्पल ना दूँ, तो अगर आप बिना बीमा शक्ति से अंदर पे गिरते हो ऊपर से, तो आपका सिर्फ 10 HP रह जाती है, पर अब 10 कैरेक्टर आप लोगे तो 10 HP नहीं रहेगी, आपको 143 HP रहेंगे। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।